मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अनादर कुकिंग वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट एज वेल। सो आज है डे 7 ऑफ नवरात्रि, यानी कि हमारे यहाँ पे अष्टमी होती है, तो उस हिसाब से हमारा आज लास्ट फास्ट है। तो आज की थाली में हम क्या क्या बनाने वाले हैं उसके लिए आप खुद ही वीडियो को देख लो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई अनादर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। सो आज है डे 7, यानी कि हमारे यहाँ पे अष्टमी होती है, तो हमारे यहाँ पे जो लास्ट फास्ट होता है वो सप्तमी को रखा जाता है। तो आज हम जो आज की थाली में जो बनाने वाले हैं उसमें हम बनाने वाले हैं कुछ डिलीशियस सी पूरी सब्जी। यानी यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ घिया की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, घिया को रफली चॉप कर रखा है इस तरीके से, बड़ा बड़ा एज यू कैन सी। यहाँ पे मैंने कुछ ले लिए हैं हरी मिर्ची कटी हुई, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, उबला हुआ आलू लिया हुआ है जिसको मैंने ऐसे रफली चॉप किया हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम सबसे पहले सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे आज के मेन्यू में होने वाली है सब्ज़ी, पूरी और भरवा मिर्ची, ये 3 चीज़ें आज हम बनाने वाले हैं। तो चलो फटाफट से सबसे पहले हम अपनी सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है, प्रेशर कुकर। उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 2 चमचा देसी घी। हो चुका है हमारा गरम। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दे रही हूँ जीरा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्ची कटी हुई। साथ में हम हरी मिर्ची थोड़ा सा भून जाएगी, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे कटे हुए आलू, जो बॉइल्ड पोटैटोज हमने रखे हुए थे काट के, उनको ऐड कर देंगे। इसको 2-3 मिनट कुक करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे काली मिर्ची पाउडर, इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा घिया। और अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर नमक, स्वाद अनुसार डालिएगा। अब इसके अंदर हमें ऐड कर देना है पानी। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, गाढ़ी भी कर सकते हो। जैसे थोड़ी ड्राई अगर बनानी है तो पानी कम रखना, और ग्रेवी वाली बनानी है तो थोड़ा ज़्यादा रखना। मैं थोड़ी सी मतलब मीडियम कंसिस्टेंसी में बनाऊंगी, तो मैंने इतना पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर। 1 बड़ा कटोरा मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम पकने देंगे। सो ये अब हमने कवर कर दिया है, इसको 2 विसल के लिए अब छोड़ देंगे। 2 विसल आएगी, उसके बाद में सब्ज़ी हमारी कुक हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी पूरियों की तरफ। सो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी हो चुकी है रेडी, एज यू कैन सी। ये प्रॉपरली हमारा घिया और जो आलू था वो ऑलमोस्ट कुक हो गया है। अब इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे हरा धनिया से इसको। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। सब्ज़ी हमारी हो चुकी है रेडी। सो अब हम कर लेते हैं भरवा मिर्ची की तैयारी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं बॉईल करे हुए पोटैटोज, यानी कि आलू। अब मैं इसको फटाफट से कर लेती हूँ ग्रेट। ये बहुत डिलीशियस बनती है गाइस भरवा मिर्ची, अगर आप बनाएंगे। कभी क्या होता है फास्ट में मन कर जाता है कुछ डिफरेंट सा खाने का, तो ज़रूर आप इसको शामिल कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने कर लिया है 1 आलू ग्रेट, क्योंकि मैं कम लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं 1 ही आलू यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पनीर। पनीर भी मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने फटाफट से मिर्ची की स्टफिंग के लिए कर लिया है आलू और पनीर को अच्छे से ग्रेट करके मैश। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्ची कटी हुई, स्वाद के अनुसार रखिएगा। हरा धनिया कटा हुआ, ये भी आप स्वाद के अनुसार रखिएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। और थोड़ी सी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर काली मिर्ची। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, मैं स्पून से कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पे मेरी स्टफिंग हो गई है रेडी, और यहाँ पे मेरी मिर्ची भी हो चुकी है रेडी। मैंने बड़ी वाली मिर्ची ली हुई है हरी मिर्ची, जिनको मैंने बीच में से इस तरीके से स्लिट किया हुआ है। अब इसके अंदर हम फटाफट से स्टफिंग भर लेते हैं। इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और मसाले को भरेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे ताकि पूरे में अच्छे से भर जाए। लास्ट तक भी हम भरेंगे इसको ताकि हर बाइट में पनीर और आलू आए। तो ये मेरी एक मैंने फटाफट से कर ली है फिल, एज यू कैन सी प्रॉपरली भर लिया हमने। अब इसी तरीके से मैं सारी फिल कर लेती हूँ। सो भरवा मिर्ची फ्राई करने के लिए यहाँ पे मेरी कढ़ाई हो चुकी है गरम। इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं देसी घी। फिर से दोहरा देती हूँ गाइस, आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है घी। अब इस पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जीरा, और जीरा डालने के बाद में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। और उसके बाद में सिंपली हमें क्या करना है, इसको अच्छे एक बार मिक्स देना है हल्का सा, और हमें अपनी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देनी है। पेस्ट बना के डालेंगे कि सारी आ जाए। दैट्स इट। इस तरीके से डालने के बाद में इसके ऊपर हम हल्का सा डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। दैट्स इट। और इसको अब हमें कर देना है, धनिया डालने के बाद इसे हमें कर देना है लिड से कवर, और कवर करके इसको कम से कम हमें 5 से 7 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। बीच में एक बार लिड हटा के हमें इसको फ्लिप ज़रूर कर लेना है, जिससे कि सारी तरफ से क्रिस्पी हो जाए। दैट्स इट। अब हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं मिर्ची हमारी। आप देख सकते हो इन पर कलर कितना प्यारा आ गया है। इट मीन्स कि ये कुक होने लगे हैं। अब इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। तो वापस से कवर कर दूँगी आप। तो ये है फाइनल लुक हमारी मिर्ची का। दैट्स इट। प्रॉपरली हो चुके हैं, डन। अब इसके ऊपर हल्का सा लेमन हम स्क्वीज़ कर देंगे, यानी एक लेमन मैं स्क्वीज़ करके डाल रही हूँ इसके ऊपर, जिससे कि थोड़ा सा खटास आ जाए इसके अंदर। क्योंकि यूजुअली अमचूर वगैरह डाला जाता है खटास के लिए, बट हम फास्ट में वो सब चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लाइम जूस डाल लेते हैं। तो ये हो चुकी है डन हमारी मिर्ची। तो यहाँ पे कर लेते हैं पूरियों की तैयारी। पूरियों के लिए मैंने 2 आलू ले लिए हैं, जिनको मैं फटाफट से कर लूँगी ग्रेट। सो पूरियों के आटे के लिए यहाँ मैंने आलू को कर लिया है ग्रेट। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे काली मिर्ची पाउडर, फिर ऐड कर देंगे हम सॉल्ट। सॉल्ट आप एज पर योर टेस्ट डालिएगा। उसके बाद में ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया। अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर कुट्टू का आटा। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। एज आई टोल्ड यू बिफोर गाइस कि हमें इसमें पानी बहुत कम मिलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो आलू हम इसके अंदर ऐड करते हैं, ग्रेटेड पटेटोज़ जो हम डालते हैं, उसी से ही इसका आटा जो है काफ़ी अच्छा लग जाता है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको पानी डालना पड़े। अगर आपके आलू क्रीमी नहीं है, बहुत सारे होते हैं ना रफ़ से पटेटोज़ आते हैं, और बहुत सारे होते हैं क्रीमी होते हैं, तो जो क्रीमी आलू होते हैं ना, तो उनसे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है उस केस में। सो यहाँ पे हमारा आटा लग के हो गया रेडी। अब फटाफट से हम इसकी बना लेते हैं पूरियाँ। सो यहाँ पे मैं तो हाथ से बना लूँगी, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के मैंने ले लिया है। आप चकला बेलन का यूज़ करके भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ले लेना है इसको। जैसे मक्के की बनाते हैं हम उसी तरीके से बनाएंगे। सो ये मेरी एक पूरी हो चुकी है बनके डन। अब एक और बना लेते हैं फटाफट से और उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। सो ये मेरी दूसरी भी डन हो चुकी है। अब सारी बना लेते हैं और फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमारा पैन भी हो चुका है गरम, एज यू कैन सी मैंने चेक कर लिया है। अब फटाफट से हम अपनी पूरियाँ फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जल्दबाजी में पलटना नहीं है। सो एज यू कैन सी ये फूल चुकी है, ये फूल गई है गाइस। सो अच्छे से इसको क्रिस्पी होने देंगे। सो ये हमारी एक पूरी हो चुकी है डन बनके। इसी तरीके से हम सारी फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको मिलता है प्लेटिंग पर। सो गाइज डे 7 की हमारी नवरात्रि फास्ट स्पेशल थाली हो चुकी है रेडी, जिसके अंदर आज हमने बनाई थी घिया आलू की सब्ज़ी। यहाँ पे हमने लिया है दही, जिसके ऊपर काली मिर्च पाउडर हमने डाला हुआ है। यहाँ पे हमने बनाई थी पनीर और आलू भरवा मिर्ची। यहाँ पे हमने बनाई थी कुट्टू की पूरी। और मीठे में आज हमने रखे हुए हैं चौलाई के लड्डू। सो आई होप आप लोगों को ये रेसिपीज़ जो सिंपल और बेसिक मैंने बताई थी थाल के लिए आप लोग को पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। सो आई होप आपको ये होल नवरात्रि सीरीज़ पसंद आई होगी, जिसमें हमने मतलब 7 डेज़ तक हमने अलग अलग तरीके के खानों को ट्राई किया था, जो भी आप फास्ट में व्रत में ईजिली बना सकते हो। बहुत तामझाम वाली कोई भी डिशेज़ नहीं थी। तो आज था ये 7th, हमारे यहाँ पे जो होती है अष्टमी होती है, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये आज लास्ट थाल था व्रत का हमारा, और कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कन्या पूजन में हम लोग क्या क्या बनाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। सो तब तक आप इसको एंजॉय करिएगा और लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।